Hello students, welcome to our YouTube channel that is Neet Kakachi. Today we'll discuss about a trick which gives a complete information about the anatomy of monocot stem. सबसे पहले आपको monocot stem की general जो है anatomy आपको पता होना चाहिए. Let me discuss about the monocot stem. ये एक आपको monocot stem का जो है transverse section आपको बताया है, जिसके अंदर outer जो layer present होती है वो क्या होती है, epidermis, और यहाँ पर जो epidermal hair होते हैं वो totally क्या होते हैं, absent होते हैं. आउटर लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जस्ट इनर साइड के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस. और हाइपोडर्मिस यहाँ जो होती है वो स्क्लेरल काइमेटस जो सेल्स होती हैं, स्क्लेरल काइमेटस जो सेल्स होती हैं स्क्लेरल काइमा की बनी होती है. नेक्स्ट, इसके इनर साइड के अंदर आपको जो पूरा कंप्लीट टिश्यू देखने को मिलता है, ग्राउंड टिश्यू, और उसके जस्ट इनर साइड में स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं. जो पेरिफेरी पे वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज, और जो इनर साइड के अंदर सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर साइज में क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं. तो अगर बात की जाती है इन कंपैरेटिवली पेरिफेरी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं. वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर दैट इज नोन एज बंडल शीट. बंडल शीट एक लेयर से जो है सेल्स की एक लेयर से कवर्ड रहती है. ये बंडल शीट भी जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरल काइमेटस. स्क्लेरल काइमेटस जो सेल्स होती है उन्हीं की बनी होती है. अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की. जो यहाँ पर प्रेजेंट पूरा कंप्लीट टिश्यू एक तरीके से फिल करता है जो यहाँ के फ्री स्पेस को, उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं. एंड ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है. ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है. डिफरेंशिएटेड ना होने का मीनिंग है कि आपको नो एनी टाइप ऑफ एंडोडर्मिस, नो एनी टाइप ऑफ एंडोडर्मिस, नो एनी टाइप ऑफ पेरिसाइकल, नो एनी टाइप ऑफ पिथ जो है पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगी. नहीं जो है आपको कॉर्टेक्स रीजन जो है जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे आपको देखने को मिलेगा. मीनिंग ग्राउंड टिश्यू जो होता है अनडिफरेंशिएटेड जो रहता है यहाँ पर. और आपको पता है कि ग्राउंड टिश्यू होता क्या है, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना भी पार्ट आप किसी स्टेम या किसी भी प्लांट के पार्ट के, प्लांट के जो है रूट के अंदर या स्टेम के अंदर देखते हैं वो पूरा कंप्लीट किसका पार्ट होता है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है. यहाँ पर भी जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है. एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ इन कंपैरेटिवली जो आप डाइकोट स्टेम देखते हो. अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जो एपिडर्मिस जो होती है एपिडर्मल हेयर्स यहाँ पे एब्सेंट है. सेकंड नंबर हाइपोडर्मिस क्लैम काइमेटस है. ग्राउंड टिश्यू जो होता है डिफरेंशिएटेड नहीं होता. वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं किससे, स्क्लेरल काइमेटस सेल से कवर्ड रहते हैं वेस्कुलर बंडल. और स्मॉलर इन साइज पेरिफेरी पे रहते हैं, सेंटर के अंदर कैसे रहते हैं, लार्जर रहते हैं. और यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट क्लोज टाइप के आपको देखने को मिलते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है. मोनोकोट है, मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है. तो इनको याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक, लाइक मैं बात करता हूँ आप ट्रिक देखिए. हाई स्केल क्लोथ स्टोर बैंड, हाई स्केल क्लोथ स्टोर बैंड अब परेशान पप्पू. हाई स्केल क्लोथ स्टोर बैंड अब परेशान पप्पू. इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, हाई स्केल, हाई यहां पर किसके लिए आया है, हाइपोडर्मिस. हाई यहां पर डिनोट कर रहा है किसको, हाइपोडर्मिस को डिनोट कर रहा है. स्केल यहां पर डिनोट करता है स्क्लेरल काइमा, स्क्लेरल काइमा को डिनोट कर रहा है. और स्क्लेरल काइमेटस जो सेल्स होती है उनको. क्लोथ यहां पर डिनोट कर रहे हैं कंजॉइंट कोलेट्रल, कंजॉइंट होता है एंड क्लोज, कंजॉइंट कोलेट्रल भी बोल सकते हो. क्लोज टाइप के जो यहाँ पे आपको बंडल्स देखने को मिलते हैं. वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं. स्टोर बैंड का मीनिंग है यहाँ पर जो बंडल शीट जो देखने को मिलती है, बंडल शीट अराउंड द वेस्कुलर बंडल कैसी होती है, स्क्लेरल काइमेटस, स्क्लेरल काइमेटस. तो वेस्कुलर बंडल जो यहाँ पर कंजॉइंट क्लोज टाइप के बंडल्स हैं इनको चारों तरफ से कवर करने वाली जो लेयर है ये रेड कलर से आपको जो लेयर दिखती है कैसी होती है, स्क्लेरल काइमेटस सेल की होती है, बंडल शीट होती है. तो हाइपोडर्मिस, स्क्लेरल काइमेटस, कंजॉइंट क्लोज टाइप बंडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे. स्टोर का मीनिंग यहाँ पे स्क्लेरल काइमा से है. बंडल शीट कैसी होती है, स्क्लेरल काइमेटस सेल्स की बनी होती है. अब परेशान पप्पू, अब फॉर एब्सेंट परेशान फ्लोएम, परेशान अब परेशान पप्पू, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये किसको बताता है, फ्लोएम को. और पप्पू ये किसको बताता है, पैरेन्काइमा को, पैरेन्काइमा. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे टोटली मोनोकोट स्टेम के अंदर आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा. और पूरी कंप्लीट एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन देकर के जाती है आपको ये ट्रिक, हाई स्केल क्लोथ स्टोर बैंड अब परेशान पप्पू. पप्पू एक पर्सन है, पप्पू आप जानते ही हैं.
पप्पू एक पर्सन है, वो क्या है परेशान है क्योंकि हाई स्केल जो क्लोथ स्टोर है वो क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं। तो हाइपोडर्मिस, हाई फॉर हाइपोडर्मिस, स्केल फॉर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती है हाइपोडर्मिस के अंदर। क्लोथ यहाँ पे क्लोज एंड कंजॉइंट एंड क्लोज बंडल के लिए है, स्टोर बैंड बंडल चीज होती है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स को क्या करती है कवर करती है। आफ्टर दैट अब परेशान पप्पू दैट इज फॉर फ्लोएम पैनकाइमा टोटली क्या होता है एबसेंट होता है। यहाँ पर आपको जो है फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है अपर साइड के अंदर देखने को मिलेगा, जाइलम के लिए टू लार्ज वेसल्स आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर कैविटीज देखने को मिलती है, साइजेलाइजेसिनस जो है कैविटीज इनके अंदर देखने को मिलती है। तो जनरल आपको पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया मोनोकोट स्टेम का, इन दिस वे यू कैन इजीली लर्न कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम इन इजी वे और क्वेश्चन आने पर आप विद एक्यूरेसी बहुत कम समय में क्या कर सकते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और लंबे समय तक वाया द स्ट्रिक इस पूरे कंप्लीट मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी को याद रख सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज नीट काका जी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स के जो है नोटिफिकेशन मिल सके और इजी वे के अंदर आप जो है उनको याद कर सके और अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ओके, दिस इज इनफ फॉर द डे, थैंक यू।